इट्स वन ऑफ द मास्टरपीस। काफ़ी अलग है, बहुत डिफरेंट है, इस पर स्टोरी बहुत दोनों मैच होते हैं। और इन्होंने हमेशा ये बिल फुल ऑन सस्पेंस है, आखिर लास्ट सेकंड तक सस्पेंस है। मजा आ गया। कैसी कैटरीना और विजय की केमिस्ट्री? अच्छा था दोनों का, क्योंकि इस बार हम नए जोड़ी देख रहे हैं। कैसा लग रहा है स्टोरी? केमिस्ट्री अच्छा था उनका, स्टोरी वाइज भी मतलब काफ़ी 80s वाला टच था। कैसे कुछ सस्पेंस रखा है? यस यस, अंधाधुन जैसा ही है। ओके, तो क्या आउट ऑफ 5 कितना? 4। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत बढ़िया थी, मतलब स्टोरी वाइज वेल रिटन, स्क्रीन प्ले इज़ वेरी गुड, जो एक्टिंग थी कतरीना कैफ एंड विजय सेतुपति इज फैंटास्टिक। इस बार हमने देखा है श्रीराम जी ने कुछ नए तरीके का थ्रिलर सस्पेंस जो ऑडियंस को पकड़ के रखी है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? अब बिल्डअप स्लो था, बट इंटरवल आते आते तक जो स्टोरी बिल्ड हुई थी वो बहुत बढ़िया थी, और उसका क्लाइमैक्स तो माइंड ब्लोइंग। कतरीना और विजय की जोड़ी कैसे लग रही है? नया कुछ आया इंडस्ट्री में, कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा था कि विजय साइलेंट, कतरीना भी जो स्टार्ट दिया, स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट वेरी गुड स्टोरी। लास्ट में क्लाइमेक्स किस तरीके से कुछ लास्ट में सस्पेंस रखा है क्या? बहुत ज़्यादा, बट स्टोरी एंड इमोशनल है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। क्या 3.5 डेढ़ मार्क्स इसलिए कि जो बिल्डअप था वो ज़रा स्लो था, इंटर वर्क तो स्लो था, और ग्रिप करने में वो टाइम लगा, बट सेकेंड हाफ इज़ वेरी गुड। थैंक यू। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा मूवी में, क्योंकि श्रीराम जी हमेशा बेस्ट पार्ट? आई थिंक सस्पेंस ही बेस्ट पार्ट था, बट एज़ कम्पेयर टू अंधाधुन और उनकी पुरानी फिल्में तो ये थोड़ी सी उससे कम ग्रिपिंग थी, बट इट वॉज नाइस फिल्म, नाइस स्टार्ट ऑफ 2024। इस बार हमने नई जोड़ी देखी है विजय सेतुपति। आई थिंक ऐसे अगर आप विजुअली देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा ऑड पेयर लगेगा, बट इन द फिल्म इट्स अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। आउट ऑफ 5 3.5। डेढ़ मार्क्स की काटी, क्या कमी लग रही है? बिकॉज व्हेन यू वॉच श्रीराम सर की फिल्म तो यू एक्सपेक्ट मोर, सो वो उस वजह से बस कि और ग्रिपिंग होनी चाहिए थी। ओवरऑल 3.5। ओवरऑल आई लव गाने हैं, आई थिंक अरिजीत का एक सॉन्ग है, इट्स लाइक बैकग्राउंड गाने हैं, तो इट्स लाइक ओके। द मूवी वॉज रियली गुड, वेरी वेल एक्टेड बाई कतरीना, वन ऑफ अ रियली गुड रोल्स, एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग ह्यूज फैन ऑफ विजय, ही इज ब्रिलियंट। आई सॉ देम इन एन इंटरव्यू इन देयर प्रमोशन, एंड आई वाज वेट सिंस देन आई वाज वेटिंग फॉर द फिल्म। It was really good. बॉलीवुड में नई जोड़ी आई है कतरीना और विजय की, सबसे पहले इस पे बात करते, कैसी लगी? बहुत यूनिक थी, टोटली सूटेड द प्लॉट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर फिल्म, मसाला फिल्म, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स, एंड श्रीराम राघवन ऑलवेज डिलीवर्स। जोड़ी बहुत अच्छी। क्लाइमेक्स कैसी रही, क्योंकि वो हमेशा कुछ सस्पेंस रखते हैं, लास्ट में भी उन्होंने हमने देखा था अंधा है कि नहीं, अब इसमें थोड़ा सा मैंने प्रेडिक्ट किया था बीच का, बट एंड वाज Unlike, it was different. अच्छा था, बहुत था suspense, अच्छा था इनका। Out of 5 कितना? 4.5। Thank you so much. Thank you so much. मूवी कैसी लगी इस बार? हम देख रहे हैं कतरीना और विजय की जो जोड़ी है, केमिस्ट्री कैसी लग रही है? केमिस्ट्री दोनों की एक्सेलेंट है, अच्छी है दोनों की। और श्रीराम जी का जब मूवी आता है तब कुछ ना कुछ सस्पेंस थ्रिलर चीज़ लेके आते, तो इस मूवी में किस तरीके का उन्होंने वही जो अंधाधुन में जो था वैसा ही सब सेम ऐसा ही है, लेकिन अच्छा है, इसमें मज़ा आता है ऐसे सस्पेंस पिक्चर देखने के लिए, एंड में सब मालूम पड़ जाता है ऐसा, तो वो सबसे अच्छी है। खाली इसमें क्या है, बॉलीवुड तड़का नहीं है, कुछ गाने वगैरह इतना कुछ खास नहीं है, तो पब्लिक को फैमिली को शायद मज़ा नहीं भी आए ऐसा, वन टाइम वॉच है। जैसे हम बात करें इंटरवल होता है उसके पहले या बाद में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कब होता है? जैसे लास्ट में क्लाइमेक्स में, क्या जो क्राइम जो होता है ना वो छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, वो छोटी बच्ची से सब मालूम पड़ जाता है ऐसा। आपका फेवरेट चीज क्या लगा वो क्राइमिक्स का जो सीन है, वो जो लड़की है उसमें उसकी कैरेक्टर बताया, वो बोल नहीं सकती है, वो जो इंस्पेक्टर है उसको कैसे भी करके बुलाता है, वो सब क्राइम बाहर आ जाता है। 3 2 मार्क्स
वो बॉलीवुड तड़का नहीं है ना उसमें, इसकी वजह थोड़ा पिक्चर स्लो चली गया सर। थैंक यू सर। ओके।